देखो जी आइडिया इस तरह है कि मैं खुद हेल्थ कॉन्शियस हाँ भाई उन्हें की लैटेस अपनी डिवाइस पर कहते हैं टमाटो कैप्सिकम कॉर्न ऑलिव ब्रोकली फ्रूट कॉकटेल टोफू सोयाबीन कैरेट कुकंबर अनियन पनीर पास्ता ਇਹ ਬੋਲ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜਮਾ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਟਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਲਡ ਜਨੀਕ ਸੈਲਡ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਜਾਣਦਾ ਫਰੂਟ ਸੈਲਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵੈਜ ਸੈਲਡ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਹਾਂ ਸਫਾਈ ਵਹਾਂ ਖਟਾਈ ਔਰ ਵਹਾਂ ਕਸਟਮਰ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ पूरी फुली लोडेड है और ये आ ना मेरे आर्यन ब्रश कर रहे हैं हाँ जी नमस्कार सलाम सत श्री अकाल की हाल चाल दिस इज इरवान बत्रा करता हूँ आपके अपने चैनल इरवान बत्रा पर बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाने के बाद और जंक फूड खाने के बाद हम आज आपको फाइनली खिलाने लेकर आए हैं एक फुली लोडेड वेजी बर्गर जी हाँ बर्गर होते हैं जो खाएं और उसके बाद हमारी बॉडी में फैट पड़ जाती है ऐसा बर्गर जो आप खाओगे तो आप हेल्दी हो जाओगे आप फ्राइज खाओगे तो हेल्दी हो जाओगे आप सैंडविच खाओगे तो भी हेल्दी हो जाओगे क्योंकि यहाँ पे जो मिलता है वो मिलता है हेल्दी हम आज आए हैं स्लाद मास्टर में सेंट्रल टाउन जलंधर की ओर अब आपकी खालसा जी से मुलाकात करवाते हैं उनसे कुछ बातें करते हैं कैसे उनको इतना जबरदस्त वाला आइडिया आया और इसके पीछे एक बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी भी जुड़ी हुई है अपना काम स्टार्ट करने पे कैसे और बिल्कुल इसका बहुत बहुत एक जबरदस्त सा कंसेप्ट आपकी भैया से मुलाकात करवाते हैं और सारा कंसेप्ट आपको बताते हैं चलिए हमारे साथ वीर जी सत श्री अकाल जी आज हम आए हैं जी स्लाद मास्टर के ओनर के पास तो पाजी इतना जबरदस्त वाला आइडिया कंसेप्ट आपको आया कैसे कि यार सभी खिला तो सभी रहे हैं बर्गर भी खिला रहे हैं सैंडविच भी खिला रहे हैं बट वो हेल्दी नहीं है हमारी बॉडी के लिए आपको कितना यूनिक आइडिया आया कैसे आया तो देखो जी आइडिया इस तरह है कि मैं खुद हेल्थ कॉन्शियस हाँ मैं भी था ना फास्ट फूड वर्गा या कुछ चीजें खानी पसंद नहीं करता पर ये ऐड कर लोग बर्गर या सैंडविच या कुछ भी खाना पसंद करते हैं जी जी ये मेरे का ज्यादा रुझान ज्यादा किस तरह के अपना लोग जानदा फ्रूट सैलड हुंदा जां वेज सैलड हुंदा राइट ते अपना दोनों दा कॉम्बिनेशन है अच्छा दोनों दा कंबाइंड है जी फ्रूट सैलड ते वेज सैलड दा कंबाइंड है जो बर्गर है इनके पास वो भी आटे का है और जो सैंडविच है वो मल्टीग्रेन का राइट मल्टीग्रेन ब्राउन दोनों का कॉम्बो है मतलब टेस्ट यूनिक है टेस्ट दी यूनिकनेस सब पता लग भी आएगा तानू विच नाल वेजिटेबल भी मिलेंगे तो फ्रूट भी मिलेंगे राइट आ तानू कॉम्बो और आप देख सकते हो कि खालसा जी ने कितना टेक केयर कर रखा है अपना इनके हाथ भी आप देख सकते हो ग्लव्स के साथ कवर्ड है फुली और यहाँ पे आप साफ सफाई देखो एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है जी यही है पंजाबी बंदे की खासियत कि वो जब खाता है तो वो भी अच्छे से खाता है जब खिलाता है तो वो भी दिल से खिलाता है और पूरी साफ सफाई का टेक केयर कर रखा है ए भाजी काला लिक्विड है सुबह 11 बजे रात को 11 बजे
मसाले भाई रेडीमेड आ गए ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾ ਕਦੇ ਜਨੀਕ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਨੀਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਤਿਆਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਕਟੇਲਸ ਦੀ ਵੀ ਬੋਟਲਸ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਖੁਦ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਹਾਂ ਸਫਾਈ ਵਾਂ ਖੜਾਈ ਤੇ ਵਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਚੜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਆ ਟੌਪ ਨਾਲ ਬੈਠੇ मिर्ची तो आ काम करते हुए कितना चीज हो गया ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆ ਆ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਫਰੂਟਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਗ੍ਰੇਪ ਬਲੈਕ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੇਪਸ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਰਮਲ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਐਪਲ ਲੁਕੇ ਪਪਾਇਆ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਪੋਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਮੋਡਲ ਟਾਊਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬ੍ਰਿਸਟਾ ਰੋਡ ਆਪਣਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਉੱਥੇ ਆ ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ ਆਪਕਾ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਟ ਹੈ ਜੋਮੈਟੋ ਸਵਿਗੀ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਪਣਾ ਸੈਲਡ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਟੋਮੈਟੋ ਸਵਿਗੀ ਤੇ ਓਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਡਾਊਨ ਉੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਟੋਮੈਟੋ ਸਵਿਗੀ ਤੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੋ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਡਾਊਨ ਦਾ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਵਾਨਸਥਾਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ शांति मिलूगी की हां यार वाकई बंदे ने काम इतना सोहना इन्ने वधिया तरीके नाल गुरु की कृपा च लगे हुए हैं बिल्कुल वीर जी है ना सही गल चलो गुरु तो ये देख सकते हो कि हमारा जो है हाफ फ्रूट सैलड बनके रेडी हो चुका है जो फुली लोडेड है जी वेजी से भी और फ्रूट से भी। इसकी यूनिकनेस यही है कि इसमें वेजीज भी हैं और इसके साथ एज वेल एज फ्रूट्स भी हैं और गार्निशिंग के लिए आप देख सकते हो कि इसमें भाजी ने कॉर्नफ्लेक्स डाला है और उसके ऊपर जो है पोमीग्रेनेट भी डाला हुआ है सॉसेज भी फुली डाली हुई है और सॉसेज जो मोस्टली है वो हेल्दी है म्योनिस बिंग की घर की है उसके अलावा भाजी फ्रूट कॉकटेल डाला हुआ है और बनाना है इसमें राइस में क्या क्या भाजी एक बार बता दो आप राइस में लेटस होगी हाँ जी कम्बर आपने लेटस होगी कम्बर हो गया कैप्सिकम हो गया और वेज सैलेड का इसका भी आप यूनिक सा नाम सोचिए हमें बताइए हम भी इसको वही नाम दे देंगे ठीक है तो अब हम लगवाने जा रहे हैं जी मल्टीग्रेन सब वीर जी से और ये है जी हेल्दी स्पेशल जिम वालों के लिए राइट वीर जी सर बिल्कुल सही सारे अपने सॉस पनीर सॉस ये भाजी पनीर के ऊपर इतनी सॉस मैरिनेट किया मैंने ये आगे जी टोमेटो टोमेटो की कटिंग आप करी दी है कि मतलब जड़े विच बी वगैरह हुंदे है पीस वगैरह हुंदे है सीड्स हुंदे है कट दी दे आप देख सकते हो जी ऊपर कौन आ गया कनाडा की कैट आ गई बारबेक्यू सॉस चिल्ली गार्लिक आ गई देख सकते हो कि जो अनियन है ना वो भाजी ने बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाले हैं कि ताकि जो अनियन जब आपके मुंह में जाए तो एक एक जो क्रश करे राइट भाई यस सर बिल्कुल यहाँ पर मजरेला चीज पाई था कोई पोना चाहे कस्टमर ठीक है जिम वाले थोड़ा अवॉइड करते हैं हाँ जिम वाले अवॉइड करते हैं गेमिंग वगैरह करते होंगे उन्होंने ही बनाते हैं अग्री अग्री सब रेडी हो गया सब नहीं भाई मल्टीग्रेन सब मल्टीग्रेन तो यही चीज खाने के लिए आप सबवे में जाते हो आप महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हो आप खालसा जी को सपोर्ट कीजिए लोकल स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट कीजिए इतनी साफ सफाई से इतना अच्छा खाना आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्लीज आइए इन्हें सपोर्ट कीजिए एड्रेस हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ये सेंटर टाउन गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने आपको खालसा जी का काट मिल जाएगा मास्टर के नाम राइट भाई
तो अब बारी है जी रिव्यू की, फुली लोडेड वेजिटेबल और फ्रूट सैलेड से हम पहले शुरुआत करेंगे। और आप देख सकते हो कि इसमें कॉर्नफ्लेक्स, बनाना और भी अलग अलग फ्रूट जो है, मैं नाम लेते रहता थक जाऊंगा, पर जो मुझसे नाम ले नहीं होंगे तो इसलिए मुझे देखना बारी आ रहा, फटाफट इसको स्टार्ट करूँ। तो हम बिना किसी बातचीत के रिव्यू देते हैं अच्छे से इसको। पहले आप देख सकते हो कि पहली जो बाइट है अपनी पूरी फुली लोडेड है, और ये ब्रश कर रहे हैं ना बाकी, क्योंकि इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट है। मैं अब एक और बाइट लूंगा और इससे भी बड़ी बाइट लूंगा, आप देखना चेरी के साथ। बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट टेस्ट है। अब मैं तो कहता हूँ भाई हर आपको अल्टरनेटिव डेज में ये खाना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा हेल्दी है और टेस्टी भी है। लोग कहते हैं कि हेल्दी चीजें टेस्टी नहीं होती, इसलिए हम खाते नहीं है, ये हेल्दी भी और टेस्टी भी है, तो इसको खाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आएंगे अपने सेकंड आइटम के रिव्यू के लिए। तो देखते हैं अभी इसको लोडेड, आप देख सकते हो कि फुली जो है अनियन और भी अलग अलग वेजिटेबल्स को प्री लोड कर चुके हैं। और आप ब्रेड जो देख सकते हो, ब्रेड भी इसकी मल्टीग्रेन है, और क्रीम्स वगैरह है हमने बिल्कुल लिमिटेड डलवाई है, क्योंकि आपको हम भी थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखते हैं। बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट फर्स्टली बिकॉज ऑफ इट्स ब्रेड, उसकी ब्रेड है ना उसकी क्रिस्पीनेस ही बिल्कुल डिफरेंट है। आप नॉर्मल सबवे खाओगे ना उसकी ब्रेड बहुत ज्यादा ब्रेड है, मल्टीग्रेन वाली ब्रेड है, और इसके अंदर जो वेजीज है ना फुली लोडेड हो चुके हैं। आप देख सकते हो मैंने जो बाइट ली अभी तक, आई एम च्यूइंग इट, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और रेट बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है दोस्तों। तो मैं तो आप सबसे अपील करूंगा कि यहाँ पे आइए। सबसे बड़ी बात पता क्या है, कहते हैं खिलाने वाले का ना दिल भी होना चाहिए, यहाँ पे भाजी का खिलाने वाले का दिल भी है, क्योंकि कितने अच्छे से आपसे बात करेंगे, हसमुख हैं और आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे। तो प्लीज आप यहाँ पे आइए, हम तब तक खाना एंजॉय करते हैं और आपको मिलते हैं सबवे और हमारा सैलेड खाने के बाद। तो आई होप आपको ये सैलेड मास्टर का हेल्दी खाना देख के और हमने खा के बिल्कुल मजा आया होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको भी ऐसा मजा आएगा, खाना खाना पड़ेगा। तो आई होप आपको देखने में मजा आया होगा, अगर आपको बताया तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल वन पत्रा। मिलते हैं फिर किसी नॉलेज फूड या टैगर लोग के साथ, तब तक के लिए शवाक है और आइएगा जरूर टैगर मास्टर में।